हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, आज के मार्केट को देखते हैं, एक शेयर है जो कि 33 रुपये पर है। जिस तरह से RVNL शेयर 33 रुपये पर था, और बहुत टाइम तक वो 30, 32, 33 की बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको शो कर रहा था, और आप ले नहीं रहे थे या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे शायद डाउनफॉल आएगा इसमें। ऐसे उस शेयर में भी बहुत टाइम हो गया सोचते सोचते, बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो शेयर, और अभी भी 35 रुपीज़ से नीचे 33 रुपये पर ही है वो। और बहुत दिनों से ये 31, 32, 26, 27, 30, 26 ये रेंज आपको बाइंग के लिए दिखा रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे चुका है आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए, और ये भी 125 रुपये तक की रेंज में पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिस शेयर की बात कर रहा हूँ, जो कि RVNL की जैसे ही 33 रुपये बना हुआ है बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो है IRFC। RVNL में आप बाइंग कर लेंगे, और फिर जब वो डाउनफॉल पे आ जाएगा तब आप और बाइंग कर लेंगे, वो और डाउनफॉल पे आ जाएगा, फिर कुछ टाइम तक के लिए ठहर जाएगा। इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया था उनका रिटर्न दे चुका है, और अब और लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका पेशेंस टेस्ट करेगा, और फिर कुछ टाइम बाद उनको उनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न बना करके देगा। लेकिन तब तक ये दूसरा शेयर जिसकी बात करूँ IRFC, ये अपट्रैक मूवमेंट पे आ सकता है। इसी शेयर की तरह अपट्रैक मूवमेंट दिखा करके आपको आपके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देगा, अगर आप विद पेशेंस बने हुए इन्वेस्टमेंट करके या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, या अब तक सोची नहीं है, मैं सोचने को मजबूर कर रहा हूँ। तो IRFC 33 रुपये पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू की सबसे बात कर रहा हूँ, कम से कम 5 साल के लेकर के भूल जाइए, 1000 शेयर ले लीजिए, और बेहतर रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट में आने वाले टाइम में मिलेगा। डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा, और हो सकता है बोनस भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बन रही मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।